बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजान चिली किचन से आज मैं बना रही हूँ गजरेला। और उसके लिए मैंने 5 किलो मैंने दूध लिया है, और दूध को पहले मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, और अब मैं इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी। मेरे पास 2 कप तकरीबन क्रश की हुई गाजर है, और 1 कप इसके अंदर 7 से 8 इलायची डालूंगी, और दूध को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे पहले। और यहाँ पे मैंने 1 कप चावल, साबुत चावल लिए थे, उनको मैंने अच्छे से भिगो के रखा, उनको अच्छे से मैंने तोड़ लिया, ये आप देख सकते हैं। और चावल को हम अलग से बॉईल करेंगे। अगर आप अच्छे से पहले इसको बॉईल कर लेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत आएगा और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दूध गर्म होगा, हम गाजर इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने 2 कप चीनी ली है, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, और वैसे भी ये सर्दियों की फेमस डिश है, गजरेला, गाजर का हलवा, तो ये सर्दी में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ये गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम गाजर ऐड कर देंगे। चले गाइस, यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है और मैं साथ ही अब इसके अंदर गाजर डाल दूंगी। वैसे हमारी गाजर भी सॉफ्ट हो जाएगी इसके अंदर। चले गाइस, देखें यहाँ पे हमारे चावल बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए। अब इसका पानी निकाल के हम चावल को भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। चले गाइस, देखें हमारे पास चावल बॉईल हो चुके हैं, अब इनको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तकरीबन 2 घंटे तक हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से पकाते जाएंगे। अगर आप ज़्यादा चावल ऐड करना चाहते हैं तो आप 2 कप ऐड कर सकते हैं, गाजर ज़्यादा ऐड करना चाहे वो भी कर सकते हैं, मगर मैं तकरीबन 2 कप गाजर और 1 कप चावल ही ऐड करूँगी इसके अंदर। ये देखिए गाइस, पकना शुरू हो चुकी है, गजरेला बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ये देखें। चले गाइस, देखें माशाल्लाह से गजरेला पकना शुरू हो चुका है। अब इसको हम इस तरीके से मैश करते जाएंगे, गाजर और चावल को इस तरीके से। इसके साथ हमारा गाजर की खीर बहुत ही थिक बनेगी, ये देखें। इस तरीके से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मैश करते जाएंगे और ये थिक होती जाएगी इस तरीके से। ये देखें गाइस, ये बस रेडी होने वाली है, तकरीबन आधे घंटे तक ये रेडी हो जाएगी। चावल और गाजर को इसी तरीके से हम मैश करते रहेंगे ताकि गाजर के अंदर इसकी मिठास जाए। ये देखिए इस तरीके से, जैसे ही इसके अंदर से बबल्स निकलेंगे इंशाल्लाह से हमारी खीर रेडी हो जाएगी। ये देखें, हम इसको, ये देखे गाइस माशाल्लाह से हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, और ये मिल्क क्रीम है। तकरीबन मैं 2 से 3 चम्मच इसके अंदर क्रीम ऐड करूंगी, इसके साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को हम नीचे से बंद कर देंगे, वरना ये चिपक जाएगी इस तरीके से। केला बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसको हम अच्छे से पहले इसको ठंडा करेंगे, बाद में हम इसको डिश आउट करेंगे। चले देखिए गाइस, हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। मैं ज़ैनब चिली किचन से अगली वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।